मथुरा के हाईवे इलाके से ढाई माह पूर्व हुए चिकित्सक निर्विकल्प अपहरण कांड का मथुरा पुलिस ने खुलासा करते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश नितेश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के 3 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी मथुरा पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाना हाईवे इलाके से 10 दिसंबर को डॉक्टर निर्विकल्प का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। बदमाशों ने डॉक्टर से 52 लाख रुपए की फिरौती की रकम भी वसूली थी। इस अपहरण कांड को लेकर मथुरा पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे और मथुरा पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। मथुरा पुलिस ने शासन के आदेश पर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों की तलाश की। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश नितेश उर्फ रीगल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके 3 साथी जिन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया की तलाश में मथुरा पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। एसपी सिटी अशोक कुमार मीना का कहना है कि पुलिस ने डॉक्टर निर्विकल्प कांड का खुलासा करते हुए 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके 3 साथियों की तलाश की जा रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि 10 दिसंबर को एक डॉक्टर का अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद उनसे फिरौती वसूली गई थी। उसी संबंध में डॉक्टर साहब को बाबा बताया गया था, उसके बावजूद भी इनके द्वारा मौखिक सूचना दी गई, ना कोई FIR दर्ज करवाई गई और उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों के कारण FIR दर्ज कराने हेतु मना भी कर दिया था और ना ही वो कोई गवाही देना चाह रहे थे। इसलिए अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई और उसी क्रम में टीमें लगाई गई और जो ये अपराधी है रीगल, आज इसको जिस पे कि 1 लाख का इनाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है नोजिल एरिया से और उससे 50,000 जो फिरौती की रकम है और साथ ही साथ एक अदद मोबाइल है वो रिकवर हुआ है। इसके अन्य 3 साथी जो उसने अपने इंट्रोगेशन में बताया है और जुर्म में इकबाल भी किया है और बताया भी है कि वो अनूप और महेश और सनी मलिक थे। इसमें मास्टरमाइंड अनूप है जो कि नोजिल का रहने वाला है और उसी के द्वारा ये प्लान किया गया था। ये उसी के साथ मिलकर इन्होंने ये जो अपहरण और फिरौती की घटना है इसको अंजाम दिया था। बाकी तीनों पे भी 1-1 लाख का इनाम है जिनके लिए टीमें लगातार लगी हुई है, जल्दी उन तीनों का भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, अभी तक पूरे मामले में देखा जाए थाना प्रभारी पर कार्रवाई हुई थी, सर उनके लिए अब तक क्या निकल गया है जांच में? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है अभी दौरान जांच चल रही है तो इस चीज़ पे मेरे द्वारा टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। ये पुलिस द्वारा कार्रवाई जिस तरीके की पुलिस कोई दोषी पाया गया जांच में अभी तक? जांच की फाइंडिंग्स के बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, इस बारे में मैं आपको कमेंट भी नहीं कर सकता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इससे इंट्रोगेशन में भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं इससे खुद से कि इससे पहले ना ये गिरफ्तार हुआ है ना ही कोई पैसे के लेन देन की बात वहाँ पे कभी हुई है। इसमें इनाम कितना घोषित किया गया था? 1 लाख का इनाम इन पे घोषित हुआ था, सभी जो चारों हैं चारों पे 1-1 लाख का इनाम घोषित है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।